नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरीब राजा 1.0 में। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, यहाँ से जो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो बजट चल रहा है 2022-23 वाला ख़त्म होने के बाद में 2023-24 का, तो दोस्तों आपको पता होगा जैसे पिछले बजट में यहाँ से गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा करी गई थी कि महिलाओं को जिनका चिरंजीवी बना हुआ है उन सभी को गवर्नमेंट के द्वारा मोबाइल देने की फ्री योजना चालू की थी, जो मोबाइल यहाँ पर दिए जा रहे थे। लेकिन दोस्तों अब इस बजट में इस योजना पर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने आपके साथ, हमारे साथ, सभी मिडिल फैमिली के साथ में एक बड़ा, बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। दोस्तों, जो मोबाइल मिल रहे थे उसकी अब न्यूज़ आई है। जो न्यूज़ क्या है आप एक बार यहाँ से देख लीजिए। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के द्वारा मोबाइल दिए गए थे, जिसमें हमने आपके लिए स्टेप बाय टाइम पर अपडेट किया था कि मोबाइल इस दिन मिलेंगे, इस कैटेगरी को इस टाइम पर मिलेंगे, जो सभी के लिए यहाँ से आपको बताया था गवर्नमेंट ने, यहाँ से पोर्टल भी जारी किया था इसका। लेकिन दोस्तों फाइनली आज हुआ क्या है, आप विधानसभा के जो यहाँ पर विधानसभा में सत्र चल रहा है, इसमें राज्यपाल के द्वारा इस योजना की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए एक बार कि महिलाओं को जो अब राज्य सरकार मोबाइल नहीं देगी, मोबाइल फोन योजना यहाँ से स्विच ऑफ यानी कि बंद कर दी गई है। दोस्तों बंद कर दी है, इस बजट में यहाँ पर घोषणा बिल्कुल नहीं की है इस चीज़ की कि जो मोबाइल फ़ोन दिए जाने वाले थे अब क्या सभी महिलाओं को मोबाइल फ़ोन दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये यहाँ से एक सबसे बड़ी समस्या आ गई हमारे साथ में, जो गवर्नमेंट के साथ के द्वारा हमारे लिए एक बड़ा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप इसकी एक बार पूरी न्यूज़ कम्प्लीट देख लीजिए यहाँ पर, कि महिलाओं को मोबाइल फ़ोन देने की योजना निरस्त हो गई है। सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए की लागत से यह योजना तैयार की थी, जिसके तहत प्रत्येक चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े परिवार को, महिला को एक मोबाइल फ़ोन देने की घोषणा की थी। लेकिन सरकार की ओर से इस योजना को निरस्त करने की आधिकारिक कोई घोषणा अभी नहीं की है। लेकिन सोमवार को विधानसभा के बजट में जो राज्यपाल के अभिभाषण में इस योजना का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, यानी कि दोस्तों ये योजना चालू नहीं है अब। हालांकि ये योजना बंद भी नहीं है पूर्ण रूप से। तो दोस्तों ये अब इसमें होने वाला क्या है, अब महिलाओं को जो मोबाइल फ़ोन मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट ने उस टाइम लास्ट बजट में तो घोषणा की थी, अब दोस्तों मोबाइल के लिए कोई भी इसमें आधिकारिक घोषणा नहीं है। तो दोस्तों अब देखने वाली बात यह है, क्या गवर्नमेंट अभी हाल ही में इसे आगे इस पर बात उठेगी, क्या यहाँ से मोबाइल फ़ोन दोबारा मिल सकते हैं, इसकी घोषणा हो सकती है। ऐसा अभी मानना नहीं है कि यहाँ से मोबाइल मिलने वाले। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा धोखा किया है सभी महिलाओं के साथ में। गवर्नमेंट अपने मतलब के लिए घोषणा कर देती है लेकिन ऐसा करती नहीं है। तो दोस्तों अब आप अपनी राय ज़रूर बताना, क्या गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है सही है, या उन्होंने पहले वादे किए थे वो गलत थे, या आज काम किया है वो गलत है या सही है। तो दोस्तों अपनी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, एंड आप इस पर क्या कहना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी एक कमेंट करना, एंड आपका कोई भी अच्छे अच्छे कमेंट है कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। तो दोस्तों थैंक यू, दोस्तों मिलते हैं फिर एक बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।